जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या UVR के YouTube चैनल में। कक्षा 6 के गणित के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को आज आगे ले जाएंगे। 6.1 हम कर रहे थे, 1.1 हम कर रहे थे और उसी को आगे ले जाएंगे। आज जो तीसरा सवाल है वो है, आपकी किताब निकाल लीजिए, आपकी किताब में तीसरा सवाल देखिए कि लिखा होगा, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या के पद्धति में लिखना है। यानी आपको ऐसा पहला सवाल ऐसा दिया होगा, 7, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2, तो आपको क्या करना है, अल्प विराम सही जगह पे लगाने, अल्प विराम सही जगह पे लगाने के बाद आपको उसको हिंदी में लिखना है। किस में लिखना है, हिंदी में। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ना, आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ये संख्या दी हुई है। मान लो ये संख्या दी है, क्या है, मैं इसको इधर लिख के बताता हूँ आपको। ये संख्या है 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। अब अल्पविराम लगाते कैसे, हम सबसे पहले तीन संख्या छोड़ के फिर दो दो संख्या छोड़ के अल्पविराम, ये तो लग गए अल्पविराम। अब इसको बोलेंगे कैसे, अब यहाँ पे देखो, गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो 8 करोड़, ये 75, तो 75,00,000 95,762। यहाँ पे आपको लिख के दिया है 8,75,95,762, तो ये हो गया पहले का जवाब। आपकी की कॉपी में लिखते जाइए, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। दूसरा सवाल, आपको ऐसी संख्या दी होगी 5, 4, 6, 2, 8, 3, तो आपको सबसे पहले तीन संख्या छोड़ के एक अल्पविराम लगाना है, फिर दो दो संख्या छोड़ के अल्पविराम लगाना है। अब गिनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो ये तो हो गए 85,00,000, फिर ये हो गए 46,000 और 283। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिया है 85,46,283 इसका जवाब, ये भी आपकी नोटबुक में आप लिख दीजिए। उसके बाद सी नंबर का सवाल, सी नंबर में आपको ऐसी संख्या दी है 9, 9, 9, 0, 0, 0 और 46, तो तीन संख्या छोड़ के एक अल्पविराम लगाया, फिर हर दो संख्या के बाद अल्पविराम लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10,00,000 करोड़, तो ये 9,99,00,000 और 46, बस इतना लिखना है, 9,99,46, यहाँ पे लिख के दिया है 9,99,46, ये आपका सही जवाब। उसके बाद डी यानी अंतिम सवाल, ये है 9, 8, 4, 3, 2, 7, 0, 1, सबसे पहले क्या करना, तीन संख्या छोड़ के एक अल्पविराम, फिर हर दो संख्या के बाद अल्पविराम, तो आपको मिला ये 9,84,32,701, तो आपको यहाँ पे लिख के दिया है 9,84,32,701, ये तो इजी था, ये आपको आ गया तीसरा सवाल, इजी था। चौथा सवाल पढ़िए आपकी किताब में, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति से लगाइए। किससे, अंतर्राष्ट्रीय, आपको किससे लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाख होता है, क्या होता है, लाख, पर इन लोगों ने क्या लिखा है, मिलियन, मिलियन, लाख को किस में बदल दिया, मिलियन, तो मिलियन, 1,000,000 बराबर 10,00,000 आपको पता है। अब यहाँ पे सिंपल सी एक संख्या लेते हैं, पहले तो 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2, हमारी हर दूसरी संख्या को छोड़ के पहले हम अल्पविराम लगाते थे, पर यहाँ पे हर तीन संख्या छोड़नी है आपको, 1, 2, 3, ये तीन संख्या छोड़ दी, 1, 2, 3, ये तीन संख्या छोड़ दी, 1, 2, 3, है नहीं तो इतनी बराबर, इस हिसाब से पहले आपको संख्या छोड़ देनी, तो आपने संख्या छोड़ दी पहले, ठीक है। फिर क्या लिखना है, ये जो पे, ये आखिरी अल्पविराम के जितने भी आगे हो उसको पहले शब्दों में लिखना, तो हमने लिखा 78, और उसके पीछे का लगा देना, मिलियन लगा देना, क्या लगा देना, मिलियन। फिर इस अल्पविराम के बाद जितनी भी संख्या है उसको हिंदी में लिखो, तो 921 लगाया, और उसके पीछे क्या लगा देना, हज़ार लगा देना, हज़ार लगा देना, और बची हुई संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देना, तो ये क्या है, 92, तो यहाँ पे लिख दिया 92। फिर से एक बार सुनो क्या करना है, सबसे पहले तो संख्या लिखनी है आपको, है ना, सबसे पहले क्या करना है, संख्या लिखनी है, संख्या लिख दी, उसके बाद 1, 2, 3, तीन संख्या छोड़ के एक अल्पविराम लगाना है, फिर 1, 2, 3, ये तीन संख्या छोड़ के एक अल्पविराम, और बचा हुआ अल्पविराम। अब आखिरी अल्पविराम जो आपने लगाया ये वाला, इसके आगे की जो ये संख्या है उसको हिंदी में लिखना 78, और उसके पीछे क्या लगा देना, मिलियन लगा देना, क्या लगा देना, मिलियन लगा देना। उसके बाद उसके पीछे की तीन संख्या लिखना, और तीन संख्या लिख देना, 921 लिख दिया, 921, और उसके पीछे हज़ार लगा देना, और उसके बाद 92 ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3, ऐसा लगा, ऐसा किया, मैंने क्या बोला था, पहले 1,
दो तीन, तीन संख्या हो गई तो एक अल्पविराम, फिर एक दो तीन, तीन संख्या हो गई तो एक अल्पविराम, इतना लगा दिया। अब अल्पविराम, ये वाले अल्पविराम के आगे ये सात है तो सात लिखा, लिखा सात, सात के बाद मैंने क्या बोला था मिलियन लिख देना, तो आपने मिलियन लिख दिया है ना। उसके बाद ये तीन संख्या देखना तो 452, तो यहाँ पे आप लिखोगे 452, यहाँ पे आगे आप लिखोगे 452, 452, उसके बाद हज़ार लगा देना है, क्या लगा देना है हज़ार, हज़ार लगा दिया। उसके बाद जो संख्या लिखी है वो लिख देना है, तो 283 लिखी है तो 283 आपने लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 9 9 9 8 5 1 0 2, तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो एक दो तीन, तीन तक गिन के एक अल्पविराम, फिर एक दो तीन, तीन तक गिन के एक अल्पविराम, इतना लगा दिया। अब आखिरी अल्पविराम जो लगाया उसके आगे संख्या को आपको हिंदी में लिखना है, तो यहाँ लिखा 99 99 तो 99, और उसके पीछे मिलियन लगा देना है, क्या लगा देना है मिलियन। अब बची हुई तीन संख्या को आपको हिंदी में लिखना है 985 985, और उसके पीछे क्या लगाना है हज़ार, और बची हुई आखिरी तीन संख्या को 102 इस प्रकार से हिंदी में लिख देना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आज का आखिरी सवाल यहाँ पे लिखा है 4 8 0 4 9 8 3 1, ऐसा लिखा है। तो मैंने क्या बोला था तीन तीन संख्या छोड़ के अल्पविराम, ये पहली तीन संख्या, ये दूसरी थी। अब अल्पविराम पहले क्या 48, तो हमने लिखा 48 और उसके पीछे मिलियन लगा दिया, फिर 0 4 9 यानी 49 है ना, इसका मतलब 49 ही ना, तो 49 लिखा और हज़ार लगा दिया, फिर 831 बचा तो 831 ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो ये हुआ आपका 1.1 कंप्लीट। और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात ये है कि आपके एग्ज़ाम पे ये आ सकता है, तो प्लीज़ इसको हल्के में ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद।